हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस के एक स्पेशल एडिशन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास है। ये स्पेशल एडिशन अपने पास अवेलेबल है अभी, है स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक का, जहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूली डिजाइन ग्राफिक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑल न्यू ब्लैक थीम के साथ ये बाइक आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में, तो यहाँ पर आपको वही इंजन मिलता है, लेकिन इसमें केवल कलर का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको ब्लैक थीम देखने को मिल जाती है, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर आपको वही इसमें टायर देखने को मिल जाता है, 80/100 का ट्यूबलेस टायर है इसमें, और इसमें IBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। आगे फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिखती है ऑल न्यू स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक का स्पेशल एडिशन, जहाँ पर अपने पास है ये ब्लैक एसेंट रेड कलर में। ये जो स्पेशल एडिशन है, इसमें आपको टॉप मॉडल के साथ ये एडिशन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको i3S और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि आप इसे लेते हैं तो आपको इसमें i3S भी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर कंसोल की बात कर लें, तो इसमें आपको i3S की लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर ये साइड स्टैंड इंडिकेटर की लाइट, यहाँ पर न्यूटन इंजन चेक लाइट, और यहाँ पर हाई बीम की लाइट देखने को मिल जाती है। मीटर कंसोल इसका एनालॉग में देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल आता ही है इसके सभी मॉडल में। टैंक इसमें कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस बाइक में टैंक के ऊपर जो हीरो लिखा हुआ है, ये स्टिकर फॉर्म में है। अगर आप इसका जो ऑल ब्लैक थीम लेते हैं, जिसमें कोई स्टिकर नहीं आते, तो उसमें आपको यहाँ पर हीरो 3D में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 3D में नहीं है, ये स्टिकर फॉर्म में ही है। बाकी आप देख सकते हैं राइट साइड से कुछ इस प्रकार से दिखती है ऑल न्यू स्प्लेंडर प्लस, काफ़ी शानदार कलर थीम के साथ आती है ये बाइक, जो कि देखने में काफ़ी शानदार दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइलेंसर के ऊपर ये क्रोम प्लेट देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर ये कैटलिटिक कन्वर्टर इसमें देखने को मिल जाता है, और ये ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और पावर स्टार्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसके साइड पैनल के ऊपर स्प्लेंडर प्लस 3D में देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर i3S की ब्रांडिंग इसमें देखने को मिल जाती है। रियर से बात कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं स्प्लेंडर प्लस, जो कि ऑल न्यू डिजाइन के साथ आती हैं। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो कि नॉर्मल स्प्लेंडर में आते हैं, वहीं आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी पीछे वाले टायर की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। आगे और पीछे इसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं। ब्रेक की बात कर ले तो इसमें आगे और पीछे 130mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक अवेलेबल है श्री चार बजा मोटर्स स्वाईपुर हीरो शोरूम पर। यहाँ पर आपको इस बाइक की एक शोरूम कीमत देखने को मिलेगी 65,135 रुपये, और ऑन रोड प्राइस के लिए आप इस शोरूम पर संपर्क कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक की पूरी डिटेल जान सकते हैं, क्या कुछ ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप भीलवाड़ा या आसपास के क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर आकर आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। आप यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस के जो स्पेशल एडिशन आते हैं 3-4 कलर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और हीरो की सभी बाइक्स और स्कूटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्कीम्स और ऑफर देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। शोरूम के सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 97.2 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 4-speed गियरबॉक्स के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक इस बाइक में आपको 9.8 लीटर का देखने को मिल जाता है, और सीट हाइट आती है इस बाइक की 785mm, साथ ही इसमें आपको 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। स्विच की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल सारे स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लो बीम हाई बीम का, टर्न इंडिकेटर का, और साथ ही हॉर्न का स्विच यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, और राइट साइड में आपको यहाँ पर i3S का स्विच, और साथ ही यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का स्विच इसमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आती हैं स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक, और यह है इसका स्पेशल एडिशन। तो यही था आज की वीडियो में स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक के स्पेशल एडिशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी नए नए वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।